वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय चैनल कृषि इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। सो लेट अस दैट फर्स्ट वी नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। द टर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो वर्ड है दो शब्दों से मिलके बना है, एग्रीकल्चर से और मार्केटिंग से, जिसमें एग्रीकल्चर मीन इज द ब्रॉडेस्ट सेंस मीन्स एक्टिविटीज एम्ड एट द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। दैट इज इट इंक्लूड all the primary activities of production, but generally it is used to mean growing and or raising crops and livestock. तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मीन कृषि। एग्रीकल्चर मीन होता है कि जो भी हम क्रॉप है, लाइव स्टॉक्स हैं, क्रॉपों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पशुओं का पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, एपीकल्चर कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन जितने भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए आवश्यक हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोला जाता है। एग्रीकल्चर एक बहुत ही ब्रॉडेस्ट टर्म है जिसमें हम पशुओं का पालन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, इसके साथ साथ और भी सहायक धंधे को अपनाते हैं, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग कैन नॉट ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मूविंग द गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ टाइम प्लेस फॉर्म एंड पजेशन यूटिलिटी। इट मीन मार्केटिंग में वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि हम किसी गुड्स को मूव कर दें प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर के कंजप्शन पॉइंट तक, इसमें मूवमेंट के साथ साथ हमें उन सारी एक्टिविटीज़ का स्टडी करते हैं जो कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, उसकी टाइम यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं, प्लेस यूटिलिटी को बढ़ाते हैं, फॉर्म यूटिलिटी एंड पजेशन यूटिलिटी। इट मीन प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इसके साथ ही साथ साथ उनका मूवमेंट भी करते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट। अंडरस्टैंड? इट मीन मार्केटिंग मीन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू द कंजप्शन इज कॉल्ड मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसकी क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्राइज ऑल द ऑपरेशंस एंड एजेंसीज कंडक्टिंग देम इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोडक्ट फ्रूट्स रॉ मटेरियल्स एंड देयर डेरिवेटिव सच एज टेक्सटाइल फ्रॉम द फार्म टू द फाइनल कंज्यूमर एंड द इफेक्ट ऑफ सच ऑपरेशंस ऑन फार्मर्स मिडलमैन एंड कंज्यूमर्स। दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड द इनपुट साइड ऑफ द एग्रीकल्चर। जो थॉमसन है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो सारी एजेंसीज, वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि फार्म प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, और इसके साथ ही साथ इसका जो इफेक्ट है मार्केटिंग का वो कंज्यूमर पर, ठीक है, मिडलमैन पर क्या पड़ता है और किस प्रकार से उन लोगों को ये बेनिफिट पहुँचाता है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्राइज ऑल द ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन को इंक्लूड करता है, एंड द एजेंसीज कंडक्ट देम इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोडक्ट फूड रॉ मटेरियल एंड द डेरिवेटिव सच ए टेक्सटाइल्स फ्रॉम फार्म टू द फाइनल कंज्यूमर्स एंड द इफेक्ट ऑफ सच ऑपरेशन ऑन फार्मर्स मिडलमैन एंड कंज्यूमर्स। ओके, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को एक और सिंपल डेफिनेशन इसकी हो सकती है, द मूवमेंट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट
मूवमेंट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू कंजप्शन पॉइंट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ओके, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इनपुट मार्केटिंग भी आती है और आउटपुट मार्केटिंग। आउटपुट मार्केटिंग क्या होती है, जैसे फार्म का प्रोड्यूस है कि क्रॉपों के यील्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे आउटपुट मार्केट। और इनपुट मार्केटिंग क्या होती है, जो फार्मर्स के लिए इनपुट अवेलेबल कराते हैं, जैसे सीड्स का, फर्टिलाइजर का, ठीक है, इनको बोलते हैं इनपुट मार्केटिंग। नाउ वी विल डिस्कस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसके क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, ठीक है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोड्यूसर्स ऑब्जेक्टिव, इट मीन एग्रीकल्चर मार्केटिंग से प्रोड्यूसर्स को क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, फार्मर जो होते हैं, वांट द मार्केटिंग सिस्टम टू परचेस देयर प्रोड्यूस विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड प्रोवाइड द मैक्सिमम शेयर इन द कंज्यूमर रुपी। इट मीन जो फार्मर्स है, प्रोड्यूसर्स है, ये चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट सही समय पर हमसे परचेज कर लिया जाए और हमें अपने उत्पाद का एक उचित दाम मिल जाए, जिससे कि प्रोड्यूसर्स का जो शेयर है कंज्यूमर रुपी में बढ़ सके। दे वांट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फॉर देयर सरप्लस प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम। और फार्मर ये चाहते हैं कि हमें अपने प्रोड्यूस का अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा प्राइस मिल जाए। सिमिलरली दे वांट द सिस्टम टू सप्लाई देम द इनपुट एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। ओके, इट मीन प्रोड्यूसर्स के जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग में वो ये है, प्रोड्यूसर ये चाहता है कि हमें जो इनपुट्स हैं वो सस्ते मिले और आउटपुट है वो हमारा अच्छे प्राइस पर सेल हो जाए और सही समय पर सेल हो जाए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें इनपुट सस्ता मिले और आउटपुट हमारा सही समय पर अच्छे रेट पर सेल हो जाए। सेकेंड है कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव। अब कंज्यूमर क्या चाहता है मार्केटिंग में, सोचिए आप कंज्यूमर हैं, आप एक उपभोक्ता हैं, तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हमें जो कमोडिटी है टाइम से मिल जाए और कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाए, अंडरस्टैंड। तो द कंज्यूमर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आर इंटरेस्टेड इन ए मार्केटिंग सिस्टम, ये ऐसे मार्केटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं दैट कैन प्रोवाइड फूड एंड अदर आइटम इन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय देम एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। कंज्यूमर ये चाहता है कि हमें अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ठीक कम प्राइस पर और हम जब चाहें उस समय अवेलेबल हो जाए। हाउएवर दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फॉर कंज्यूमर इज कॉन्ट्ररी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फॉर द फार्मर प्रोड्यूसर। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका मार्केट मिडलमैन एंड ट्रेडर्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो मिडलमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, ये क्या चाहते हैं, मार्केट मिडलमैन एंड ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड इन ए मार्केटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड देम ए स्टेडी एंड इंक्रीजिंग इनकम फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। ये मिडलमैन जो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ये मार्केटिंग में चाहते हैं कि हमें लगातार फार्म के प्रोड्यूस को बेचने से और खरीदने पर हमें लगातार अच्छी इनकम प्राप्त होती रहे। दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मिडलमैन मे बी अचीव बाई परचेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स एट लो प्राइस एंड सेलिंग देम टू द कंज्यूमर एट हायर प्राइस। अब मार्केट मिडलमैन के जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें कम प्राइस पर फार्मर का प्रोड्यूस मिल जाए, परचेज कर सकें हम, और हाई प्राइस पर इस प्रोड्यूस को कंज्यूमर को बेचें, इससे क्या हो मिडलमैन को, ट्रेडर्स को अधिक से अधिक बेनिफिट हो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है मार्केटिंग में, द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल थ्री ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड मार्केट मिडलमैन, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मिडलमैन हैं, ठीक है, सबको एक उचित बैलेंस मिलता रहे, मतलब किसी का लॉस ना हो, प्रोड्यूसर्स को भी प्रॉफिट रहे,
कंज्यूमर को भी और मिडलमैन को किसी एक की तरफ हमें झुकाव ना मिले, कन्फ्लिक्ट विद वन अदर। ऑल थ्री ग्रुप आर इंडिस्पेंसेबल टू द सोसाइटी। इन तीनों ग्रुपों को हम प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट एज ए वॉच डॉग टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स एसोसिएटेड इन मार्केटिंग। मतलब जो गवर्नमेंट है इन तीनों ग्रुप पर, प्रोड्यूसर्स पर, कंज्यूमर मार्केटिंग मंडल पर, वॉच डॉग का काम करती रहती है। इट ट्राई टू प्रोवाइड द मैक्सिमम शेयर टू द प्रोड्यूसर्स इन कंज्यूमर रुपी फूड ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी टू द कंज्यूमर एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस एंड इन अ मार्जिन टू द मार्केट मिडलमैन सो दैट दे मे रिमेन इन द ट्रेड एंड नॉट थिंग्स ऑफ गोइंग आउट ऑफ ट्रेड एंड जियोपेडाइज द होल मार्केट मैकेनिज्म। तब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मार्केट सिस्टम ऐसा हो जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और मिडलमैन हैं, इनमें किसी को किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो, मिडलमैन को भी एक थोड़ा अपना उचित मेहनत का पैसा मिल जाए, कंज्यूमर्स को भी अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कम पैसे मिल जाए और फार्मर्स को भी अपने उत्पाद का सही दाम मिल जाए, ये चाहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम किसी एक सेक्शन को प्रॉफिट पहुँचाएं और एक को लॉस पहुँचाएं। दस दस द गवर्नमेंट वांट दैट द मार्केटिंग सिस्टम शुड नॉट बी सच एज मे ब्रिंग अबाउट द ओवरऑल वेलफेयर टू द ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट चाहती है कि सोसाइटी के जो तीन तीनों थ्री सेगमेंट हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और मार्केट मिडलमैन, इन चीज़ों को उचित दाम मिलता रहे, उचित प्रॉफिट होता रहे, ठीक है, और वेलफेयर इनका होता रहे और बैलेंस में क्या रहे, इनका जो प्रॉफिट लॉस है वो बैलेंस में रहे, किसी एक को प्रॉफिट ज़्यादा ना हो ना किसी को लॉस हो, ठीक है, गवर्नमेंट ये चाहती है। नेक्स्ट इज स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है इसका क्या स्कोप है, क्या सब्जेक्ट मैटर है? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन ए ब्रॉडर सेंस इज कंसर्न विद द मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई फार्मर्स एंड ऑफ फार्म इनपुट रिक्वायर्ड बाई देम इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज फार्म प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? तो मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग सिस्टम चाहता है कि फार्मर्स को, जो फार्मर्स का जो आउटपुट है उनको मार्केट में सेल करना और फार्मर्स के लिए इनपुट अवेलेबल कराना। इट मीन इनपुट मार्केट एंड आउटपुट मार्केट दोनों में इसका जो स्कोप है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। दस द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग मस्ट इंक्लूड बोथ प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड इनपुट मार्केटिंग। अंडरस्टैंड? प्रोडक्ट मार्केटिंग मीन क्या होता है, फार्मर्स का जो आउटपुट है, ग्रेन का प्रोडक्शन किया गया उनका मार्केट करना, और इनपुट मार्केट मीन फार्मर्स को जो इनपुट्स होते हैं सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इनको अवेलेबल कराना। तो इसका स्कोप की बात करें मार्केटिंग की तो दोनों सेक्टर्स में, इनपुट मार्केटिंग में और आउटपुट मार्केटिंग में। इन दिस बुक द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हैज बीन डील विथ बोथ फ्रॉम द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इट कवर व्हाट द सिस्टम इज, हाउ इट फंक्शन, सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, एंड हाउ ही गिवन मेथड और टेक्निक में भी मॉडिफाइड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अंडरस्टैंड? तो स्कोप की बात करें मार्केटिंग की तो इसका इनपुट मार्केटिंग में है, आउटपुट मार्केटिंग में है, और ये सिस्टम से किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हम जो थ्री सेक्शंस ऑफ मार्केटिंग के थ्री लोग हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मिडलमैन, उनको भी एक उचित प्रॉफिट दिला सकें। अब डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज दैट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूज एंड आउटपुट मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग चाहता है कि जो प्रोड्यूस है कम से कम वेस्टेज हो, उसका स्टोरेज में, उसका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वेस्टेज कम हो, और कम वेस्टेज के माध्यम से हम किस प्रकार को उसको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। इट मीन रिसोर्सेज जो है हमारे
उनका सही से उपयोग हो जाए और आउटपुट का भी सही से मैनेजमेंट हो, कोई भी हमारा जो आउटपुट है वेस्टेज ना जाए। सेकेंड इज इंक्रीज इन द फार्म इनकम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ती है, क्योंकि जब मार्केटिंग करेंगे किसी प्रोडक्ट का तो हमारा जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है वो वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। वेस्टेज नहीं होगा तो उसे अपने सारे प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी मिल जाएगी, सही समय पर मार्केट में सेल होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। बाइडनिंग ऑफ मार्केट। बाइडनिंग ऑफ मार्केटिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मूव करवाना। सपोज दैट एप्पल है तो जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन होता है। यदि इसकी बार्डनिंग ऑफ मार्केट नहीं होगी तो इसकी जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड है कहाँ पर रहेगी, उसी एरिया में रहेगी। लेकिन इसकी डिमांड कहाँ पर है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, तो सभी जगह क्या होता है, इसको बार्डनिंग किया जाता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो इसकी डिमांड क्या होती है, ऑल कंट्री के कोने कोने में रहती है और वहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल भी हो जाता है। ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पर आधारित हैं उनके ग्रोथ काफ़ी तीव्र से होता है, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स हैं, इनपुट से मिल जाते हैं, जिससे कि वो अपनी कम्युनिटी का प्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि फ्लोर मील है तो किस पर डिपेंड है, गेहूं पर। अभी आपको उसको व्हीट मिलेगा तो वो फ्लोर बना करके, आटा बना करके अपना मार्केटिंग स्टार्ट करेगी। प्राइस सिग्नल। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में फार्मर्स को प्राइस सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि किस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, ठीक है, पिछली बार क्या था, ठीक। तो इससे फार्मर जजमेंट करके उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा रहती है उसको ग्रो कर सकता है, इससे वो अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा सकता है। सिक्स इज एडॉप्शन एंड स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी तकनीक है, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से क्या होता है कि फार्मर्स को जब इनकम अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा होता है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी फार्मिंग को बेटर टू बेटर बना सकता है। फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मार्केटिंग में क्या होते हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, मिडलमैन हैं, इसके साथ साथ इसमें जो एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों में ह्यूमंस लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अनस्किल्ड लेबर हैं, कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनको एग्रीकल्चर मार्केटिंग के माध्यम से उनको रोजगार भी मिल जाता है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में भी वेरी यूजफुल है। एट्थ इज एडिशन टू नेशनल इनकम। इससे नेशनल इनकम में भी वृद्धि होती है, क्योंकि फार्मर्स की जो इनकम है, कई सारे फार्मर्स हैं इंडिया में, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो कंट्री है उसकी नेशनल इनकम में भी ग्रोथ होगी। बेटर लिविंग। फार्मर्स का बेटर लिविंग हो जाता है, फार्मर्स को अपना प्रोडक्ट सही दाम पर मार्केट में बेच सकेगा, फार्मर्स अपने जो प्रोडक्ट है उसको जो वेस्टेज होने से बचा सकता है, ठीक है। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जोन में बेच सकता है, तो इससे क्या होती है, उसकी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मार्केटिंग में यूटिलिटी का क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, विदाउट यूटिलिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड नहीं होती है। तो फर्स्ट यूटिलिटी है फॉर्म यूटिलिटी। इसमें क्या होता है, किसी कम्युनिटी का फॉर्म चेंज करके उसको मार्केट में सेल किया जाता है। जैसे गेहूं है तो गेहूं से क्या बना लिया, फ्लोर, आटा, ठीक है। शुगर कैन है, गन्ना है, उससे क्या बना ली, शुगर बना ली, ठीक। तो इससे क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मीन टू चेंज द फॉर्म ऑफ द एनी कम्युनिटी बाई एडिंग द प्रोसेसिंग फंक्शन। फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है, प्रोसेसिंग फंक्शन से उसकी वैल्यू को बढ़ा करके हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। प्लस यूटिलिटी, थोड़ा गलत लिखा है, प्लस कौन सा है, प्लस यूटिलिटी गलत हुआ है, PLAC प्लस यूटिलिटी, ठीक है। प्लस यूटिलिटी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन के माध्यम से हम एक प्रोडक्ट को कंट्री के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में उसको मूव कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, कम्युनिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं ट्रांस प्लस यूटिलिटी। प्लस मीन वस्तु, कम्युनिटी के प्लस को चेंज करके उसकी वैल्यू को बढ़ाना प्लस यूटिलिटी कहलाता है।
टाइम यूटिलिटी मीन क्या होता है, कोई कमोडिटी है उसको हम स्टोरेज कर दें, स्टोरेज करने के बाद जब उसका सीजन नहीं रहता है तो उस सीजन में उसको सेल करेंगे तो हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा मिल जाएगा। सपोज दैट पोटैटो है, पोटैटो जब आलू का जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, यदि हम उस समय उसको स्टोर नहीं करेंगे तो उसकी हम टाइम यूटिलिटी नहीं ले पाएंगे। तो आलू को स्टोरेज करके ठीक है हम उसकी टाइम यूटिलिटी के माध्यम से उससे अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं। पजेशन यूटिलिटी मीन प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग करके उसकी ओनरशिप चेंज करना, एक कहलाती है प्रोडक्शन यूटिलिटी। ठीक है, तो ये मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस थे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंक्रीज इन फार्म इनकम, बाइंडिंग ऑफ मार्केट, ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, प्राइस सिग्नल, एडॉप्शन एंड स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, एडिशन टू नेशनल इनकम, बेटर लिविंग, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी प्लस टाइम एंड पजेशन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लर्न अलॉट ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो अमंग अवर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।